अभी देखो इतने लोग मिलकर एक बोट को बाहर निकालेंगे और फिर ये जितना भी नेट है ये सारा उसके अंदर दोबारा से सेटल करेंगे, क्योंकि कल फिर से जाना है इनको फिशिंग करने के लिए। तो अभी आप देख सकते हो भाई कितने लोग नेट खींच रहे हैं, और अभी सामने आप देख सकते हो बिल्कुल नेट पास में आ गया है, यहाँ पर नेट है। ये जो डब्बा दिख रहा है आपको वाइट कलर का, ये देखो भाई मछली के अंडे हैं, ऐसे ऐसे दिखते हैं मछली के अंडे, अगर आपने नहीं दिखे हैं तो। पहले खड़ी जो लेडीज है ना सब खुश हो जा रही है जैसे जैसे भाई ये मछलियाँ निकाल रहे हैं अंदर से। देखो सभी को राम राम, और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कीनिया के एक छोटे से गांव के अंदर से आप सभी को पता ही है कि यहां पर मैं एक भाई के पास वॉलंटियरिंग कर रहा था, आपको दिखा रहा था कि गांव के लोग यहां पर कैसे रहते हैं। अभी मैं हूं बिल्कुल वेस्ट कीनिया के अंदर, बिल्कुल लेक विक्टोरिया के ऊपर। आपको मैंने बता ही दिया लेक विक्टोरिया दुनिया की सबसे बड़ी ट्रॉपिकल लेक है। इसे लेक विक्टोरिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस देश पर अंग्रेजों का राज था, जैसे कि इंडिया पर भी अंग्रेजों का राज था, और अंग्रेजों की महारानी थी, उसका नाम था महारानी विक्टोरिया। तो इसीलिए एक बंदे ने, जॉन हैनिंग नाम के बंदे ने, 1858 में इस लेक को पहली बार देखा था अंग्रेज ने, तो फिर उसने अपनी रानी के नाम पर इस लेक का नाम रख दिया। आज मैं जा रहा हूँ लेक के ऊपर, सुबह सुबह के 7 बजे हैं, क्योंकि आज मुझे देखना है कि यहाँ के लोग जो है वो फिशिंग किस तरह करते हैं। सामने आपको जो ऑरेंज कैप में जो बंदे दिख रहे हैं ना, वो मेरे होस्ट के फादर है। उन्होंने मुझे बोला था कि तुम सुबह सुबह इधर आ जाना, और फिर मैं आपको, मेरे कोई दोस्त फिशिंग करने जा रहे होंगे बोट के ऊपर, तो मैं तुम्हें ले जाऊँगा और दिखा दूँगा। चलो उनसे बात करते हैं कि कोई बंदा मिला है या नहीं मिला है। मुझे लगता नहीं, इनके दुखी फेस से देखकर कोई बंदा मिला भी है। We can go. You can wait a little, little bit. I talked to somebody there. At what time do you think? I think after 1 hour. After 1 hour? Mm. But I can still go and see lake, no problem. Yes, no problem. I'm also coming there. Okay, thank you. जिनके पास मैं रुका हूँ ना, उनके ये फादर हैं, मेरे होस्ट के फादर। तो इन्होंने मुझे बोला कि 1 घंटा तुम वेट करो, 1 घंटे के बाद तुम्हें बंदा मिल जाएगा। मेरे दोस्त हैं कुछ, वो बोट लेकर जा रहे हैं फिशिंग करने, तो मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस दिखाना चाहता हूँ बोट में उनके साथ जाकर, कि लोग किस तरह फिशिंग करते हैं। भाई 10-15 मछलियाँ हाथ लगेगी, 10-15 मछलियों के लिए पूरा मतलब 5-6 घंटे का प्रोसेस है, और पूरा प्रोसेस इतना टाइम ख़राब होता है जिसमें, और इतनी मेहनत लगती है, और 5-6 बंदे लगते हैं, और कितनी मुश्किल लाइफ है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो आपको वीडियो में अच्छे से दिखाऊंगा, तो पूरी वीडियो को देखना एंड तक, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी तक 50,000 सब्सक्राइबर नहीं करवाए हैं यार आपने, क्योंकि मेरा टारगेट है 50,000 सब्सक्राइबर का। आज देख सकते हो लेक का पानी कितना साफ सुथरा दिख रहा है ना, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बारिश नहीं हुई है, 2-3 दिनों से, तो इसीलिए जो पहाड़ों के ऊपर से पानी आता है वो इसमें मिक्स नहीं हुआ है, इसलिए लेक का पानी काफ़ी ज़्यादा साफ सुथरा दिख रहा है। 2-3 दिन पहले बहुत ज़्यादा गंदा था। ये सामने देखो आपको बोट दिख रही है ना, ये पूरी बोट नेट से भरी हुई है, पूरी की पूरी देखो, और ये वाली बोट भी, और एक यहाँ पे बोट भी है, ये भी पूरी नेट से भरी हुई है ना। तो यही बोट लेकर मैं अभी थोड़ी देर में जाऊँगा, अगर मेरी किस्मत अच्छी है तो, क्योंकि मेरे होस्ट ने मुझे बोला है कि ये भाई ना नेट निकाल रहे हैं अपना, आपको दिख रहा है ना ये बाहर नेट निकाल रहे हैं, ये देखो इसमें अगर इनकी मछलियाँ निकलेगी तभी ये दूसरी बोट लेकर जाएंगे, वरना तो ये नहीं जाएंगे। तो भाई अगर मेरी किस्मत अच्छी है तो मैं आपको ये दिखा पाऊँगा वीडियो में, नहीं तो फिर ये वीडियो नहीं आएगी। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ भाई, एक चीज़ मैंने नोटिस की है, मैं इसीलिए गांवों में ऐसे एरिया में ट्रैवल करता हूँ जहाँ पर टूरिस्ट कोई भी नहीं जाता। इसी चीज़ के लिए मैं ना श्रीलंका में था, श्रीलंका की कैपिटल निगोम्बो के अंदर, वहाँ पर भी लोग इसी तरह फिशिंग कर रहे थे, कि जब भी मैंने उन बोट वालों से पूछा ना कि भाई मैं बोट पर जाकर तुम्हारे साथ वीडियो बना सकता हूँ, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं पैसे लगेंगे, यहाँ पर कोई बंदा पैसे की बात ही नहीं करता है। सही बताऊँ, ये चीज़ मेरे को, यहाँ के लोगों की सिंप्लिसिटी मेरे को अच्छी लगी, कि
मतलब कि लोग टूरिस्ट से दूर है ना, तो इनको पैसे का इतना चाव नहीं है, पैसों से इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती इनको, लाइफ जीने में जो नॉर्मल लाइफ है उसी में एक्साइटमेंट है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा पैसे आ जाएंगे तो ज़्यादा एक्साइटमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी लोगों की यहाँ पर। और आपको अफ्रीका में बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं, क्योंकि अगर जहाँ टूरिस्टिक प्लेस बन गई है वहाँ पर लोग, सब लोग, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी आपसे पैसे मांगने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आज तक मेरे को, पिछले 10 दिनों से मैं यहाँ पर हूँ, मेरे से किसी ने पैसे नहीं मांगे हैं। ये नेट तो इन्होंने बाहर निकाल लिया है, तो इसमें तो भाई एक ही मछली निकली है। ये देखो, ये सामने पड़ी, ये एक ही मछली निकली है। अभी ये बोट लेकर जाएंगा मैं इनके साथ, वो भाई मेरे साथ जा रहे हैं। ये वाले कह रहे हैं कि चलो तुम्हें लेकर चलते हैं, दिखाते हैं कि किस तरह हम फिशिंग करते हैं। ये देखो, सबसे पहले भाई इस बोट को धक्का मारकर पानी में डालते हैं, नेट से भरी हुई बोट को। और अब मैं इनके साथ बैठ जाऊंगा अंदर, और दो लोग जाएंगे, दो लोग पैडल करेंगे और एक बंदा नेट स्प्रेड करता रहेगा, वो साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इसके अंदर बैठ जाता हूँ, क्योंकि पानी के अंदर से होकर जाना पड़ेगा। चप्पल हाथ में ले लेता हूँ पहले। अभी बोट के अंदर ना सिर्फ नेट रखा हुआ है, तो नेट से ये जो रस्सी है ना, जो ऊपर पड़ी आप देख रही है आपको, ये रस्सी ये कनेक्ट करते हैं ताकि दूर तक नेट जा सके। और ये सामने भाई वही रस्सी बोट के अंदर रखेंगे, अभी आप देख सकते हो सामने। अगर आपको दिख रही है तो वो भाई इतनी लंबी रस्सी लेकर आ रहे हैं ना, ये रस्सी नेट में कनेक्ट करके फिर इसको डालेंगे, ताकि ये नेट को पहले ये रस्सी खींच सके, ताकि नेट पास में आ सके। क्योंकि क्या है कि सुबह सुबह बहुत से लोग फिशिंग कर रहे हैं, जैसे ये लेडीज़ और ये सब लोग खींच रहे हैं रस्सी, उधर भी पीछे बहुत से लोग खींच रहे हैं, ये देखो अगर आपको दिख रहा है तो तो क्या होता है कि अब यहाँ से तो सभी मछलियाँ ले गए हैं, तो इनको दूर डालना पड़ेगा नेट, काफ़ी दूर, तभी फिर सारी मछलियाँ ये खींच कर एक साइड इकट्ठी करेंगे। फिर इनकी किस्मत है भाई, अगर कोई मछली आएगी तो, और नहीं आएगी तो आपा दिखाऊंगा मैं आपको वीडियो में अपनी बोट में, देखते हैं कितनी मछलियाँ लिखती हैं। मैं तो हो मतलब कि उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी मछलियाँ निकले, बेचारों का काम चले यार, क्योंकि वैसे तो जानवरों को मारना गलत है, लेकिन अब जो इनकी लाइफ है वो वैसी ही है यार, अब क्या कर सकते हैं आपा। एक रस्सी भाई ज़मीन पर छोड़ कर आए हैं, और उसी से कनेक्टेड रहेंगे सारी देर, और वो रस्सी को आगे आगे फेंकते रहेंगे आगे आगे। यार देख लो, मतलब कि अगर ये चाहते तो मेरे को मना भी कर सकते थे। देखो अपनी बड़ी मुश्किल से भाई बैठकर और फिर आगे बोट चला रहा है, नहीं तो ये मेरी जगह बैठता है, जैसे कि ये मेरी जगह है ना जहाँ पर मैं बैठा हूँ बोट के किनारे पर, यहाँ पर बैठ कर इसको चलाता है, लेकिन मेरी वजह से वहाँ बैठा है। और फिर भी बंदे मतलब कुछ नहीं, पैसे पूसे कुछ नहीं मांग रहे, खुश हैं और मेरे को लेकर जाकर, वो चीज़ मेरे को इस गांव की बड़ी अच्छी लगी। ये गांव मतलब कि सब लोग खुश रहते हैं यार यहां पे। एक तो ना नेचर इतना अच्छा है, पहली बात आप बीच में, नेचर के बीच में रहते हो ना आप वैसे ही खुश रहते हो। मतलब कि शहर की लाइफ में लोग, बंदा दुखी हो ही जाता है, क्योंकि इतना शोर होता है, गाड़ियों का नॉइज़ पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन की कोई बात नहीं करता है, लेकिन उससे स्ट्रेस बढ़ता है, उससे मतलब कि बंदे का दिमाग ख़राब होता है। वो चीज़ कभी कोई बोलता ही नहीं है नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में, और इंडिया में नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, आपको सबको पता ही है। अब लोग मेरे को बोलेंगे तो हमेशा बुराई क्यों करता है, बुराई नहीं है भाई, ये बात ऐसी होती है कि तुम जब तक इन बातों के बारे में बात नहीं करोगे ना, तो ये चीज़ें सुधरेगी नहीं, क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं आता है कि नॉइज़ पोल्यूशन का मतलब कि साइड इफ़ेक्ट क्या है। ये सामने जो रस्सी देख रहे हो ना, ये रस्सी मैंने आपको पहले भी बताया नेट से कनेक्टेड है, और ये ही रस्सी पीछे बिल्कुल ज़मीन से कनेक्टेड है। तो ये बोतल वगैरह देख रहे हो ना बीच में पड़ी हुई, ये बोतलें ये रस्सी से बंधी हुई है, ताकि इनको आइडिया रहे कहाँ कहाँ रस्सी डलती जा रही है। तो देख लो ये कितना दूर नेट डालेंगे भाई, अभी तो देखो कितना दूर आ गए हम, और अभी तक तो शुरू भी नहीं हुई है रस्सी ख़त्म होनी। देखो ढेर अभी तक भरा पड़ा है रस्सी का, और फिर ये नेट आएगा, तो ये मान लो कि लगभग 1-1.5 घंटा तो सिर्फ नेट फैलाने में ही लग जाएगा, और फिर 2-3 घंटे इस नेट को वापस खींचना पानी में, और फिर मछली निकले ना निकले वो अपनी किस्मत है। पीछे देखो आपको दिख रहा होगा कि हम कितना दूर आ गए हैं लैंड से, और अभी बारी आई है नेट को अंदर गिराने की, तो आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी रस्सी और कितना बड़ा नेट होगा जिसको ये इतनी दूर से वहाँ से खींचेंगे। तो ये देखो, अगर आपको ये दिख रहा है, इनके ना एक साइड में पत्थर बंधा हुआ है,
आप देख सकते हो ये पत्थर है। ये पत्थर इसलिए बांधते हैं क्योंकि एक साइड नेट की पानी में डूब जाए और जो दूसरी साइड है नेट की उसके ऊपर ऐसे कुछ गोले से बंधे हुए हैं जो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं। वो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा, यहाँ से आपको दिख नहीं रहे होंगे। तो इसीलिए पूरा जाल भिज जाता है, एक साइड से नेट ऊपर फ्लोट करता है और एक साइड से पूरा डूबा होता है। तो सारी की सारी मछलियाँ ये कैच कर सकते हैं जितनी भी पानी के अंदर है। ये देखो ये भाई धीरे धीरे नेट डाल रहे हैं। इन्होंने ऐसा सिस्टम सेटअप किया होता है बोट के अंदर ताकि जैसे जैसे बोट चले तो अपने आप ये नेट गिरता जाए पानी के अंदर। वो देखो अगर आपको पीछे दिख रहा हो तो ये फ्लोट कर रही है ना गोल गोल चीज़ें, तो ये नेट के ऊपर बंधी हुई है ताकि ये नेट फ्लोट करता रहे। काफ़ी अच्छा सिस्टम है ये फिशिंग का, काफ़ी बढ़िया लोग है। और इस भाई से अभी मेरी बात हुई तो मेरे को ये बोल रहा था, कहता कि तुम्हारे देश में अलाउड है कि तुम काले लोगों के साथ दोस्ती कर सकते हो। मैंने कहा ऐसा नहीं है भाई कुछ भी, मतलब आजकल चेंज होता जा रहा है। तो इन लोगों ये दुनिया से, असलियत दुनिया से इतना दूर है मतलब कि कभी शहर में गए ही नहीं, तो इनको आज भी ऐसा ही लगता है कि काले लोगों के साथ गोरे लोग भेदभाव करते हैं, इतने शरीफ लोग हैं ये। ये जो सामने आप नेट देख रहे हो ना भाई, ये डाल रहे अब, ये सबसे बड़ा नेट है और इसी के अंदर मछलियां फंसती है। बाकी जो नेट है ना वो सिर्फ मछलियों को डराने के लिए है ताकि मछलियां डर कर इस नेट के अंदर आ जाए। अभी मेरे को भाई ने बताया कि ये जो मेन नेट है वही नीचे पानी में जाता है। ये देखो ये बोतल फेंक दी, ये चीज़ें फेंक दी, इससे इनको पता चल जाता है कि ये नेट कहाँ पर है। ये चीज़ें ऊपर फ्लोट करती रहती है, जैसे कि ये बोतल ऊपर तैर रही है ना, तो इसीलिए इनको पता चल गया कि ये बोतल उसी नेट से बंधी हुई है। फाइनली हम वापस पहुंच गए हैं। लगभग 1 घंटा और 20 मिनट हमें लगी है। अभी 9:25 हो गई है, मैं 8:10 के आसपास निकला था और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना टाइम लगेगा यहां से 9:30 के बाद, कितना टाइम लगेगा कि हमें पूरा नेट बाहर निकालने में, वो भी मैं आपको बता दूंगा ताकि आपको पता चल सके कि हमें सच में कितना टाइम लगता है। अभी मेरे को इन भाइयों के साथ एक फ़ोटो लेनी है सबके, तीनों के साथ थंबनेल के लिए, वो मैं फ़ोटो ले लेता हूँ सबके साथ पहले। ये देखो इस तरह बोट ये पानी से बाहर निकालते हैं, एक लकड़ी का डंडा रखते हैं बीच में और उसके ऊपर से स्लाइड करके बोट को बाहर निकाल लेते हैं। और अभी जो ये रस्सी बीच में बच गई है ना, ये इसी रस्सी से इसको खींचना शुरू करेंगे। नेट भाई कहाँ तक फैला हुआ है आप सोच नहीं सकते, सही बताऊँ मतलब कि जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है ना उतना दूर नेट ये फैला कर आए हैं। अब इसी नेट को खींचना शुरू करेंगे। मैं सही बता दूँ अभी 9:36 हुए हैं और 9:36 पे हम खींचना शुरू करते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई और फ़ोन नहीं है, नहीं तो मैं आपको टाइम भी दिखा देता और देखते हैं कि कितनी देर में नेट वापस निकलेगा। एग्जैक्टली 12 बज चुके हैं और हमने ये काम 9:30 स्टार्ट किया था ये रस्सी खींचनी, और अभी पूरी सिर्फ रस्सी निकली है, नेट तो अभी भी पानी में है। अभी ये जो जितनी भी रस्सी यहाँ पर इकट्ठी हुई थी वो हमने सारी बोट के अंदर रख दी है और ये बोट लेकर हम दूसरी साइड जाएंगे जहाँ से हमने नेट और रस्सी डालना शुरू किया था और वहीं पर हम नेट निकालेंगे। देखो भाई इन भाइयों ने सुबह 8:00 काम करना शुरू किया था और अभी 12:00 अभी ये ब्रेकफास्ट करेंगे। देख लो ब्रेकफास्ट मैं आपको दिखा देता हूँ ये क्या करते हैं। ये देख लो चाय और ये है स्वीट पोटैटो और ये मंडाजी ये बोलते हैं इसको, इस मंडाजी। चलो अभी टाइम आ गया यहाँ से निकलने का, भाइयों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है अब देख सकते हो, और अभी चलते हैं उस साइड वहाँ पर जाकर नेट निकालते हैं और फिर देखते हैं कि कितनी मछलियाँ निकलेगी अंदर। बोट के साथ रस्सी इस साइड लेकर आ गए हम और अभी यहाँ पर नेट बाहर निकाला जाएगा। काफ़ी लंबी रस्सी है आप सभी को मैंने काफ़ी बार बता दिया है ये, और देखो दूसरी साइड रस्सी की यहाँ पर है। इन दोनों को एक साइड लाकर इकट्ठा किया जाएगा। अभी मैं आपको ना इसका मैप बनाकर दिखाता हूँ। क्या होता है कि ये जब नेट डालते हैं ना तो नेट ऐसा होता है वी शेप में, ऐसे वी शेप में। यहाँ पर बड़ा मेन नेट है जहाँ पर मछलियाँ पकड़ी जाएगी और ये जो है ना छोटा नेट है जो मछलियों को डराने के लिए, जब मछलियाँ देखेगी ये नेट यहाँ पर है तो सारी मछलियाँ जाकर इस पीछे वाले नेट में घुस जाएगी और फिर ये धीरे धीरे इसके जैसे ये चौड़ा है ना ऐसे वी शेप में है तो इसको धीरे धीरे इसका मुंह क्लोज कर देंगे ये खींच कर, और फिर सारी मछलियाँ इसके अंदर चली जाएगी और फिर इस नेट को निकाल कर देखेंगे कि कितनी मछलियाँ निकली है। अभी आप देख सकते हो भाई कितने लोग नेट खींच रहे हैं और अभी सामने आप देख सकते हो बिल्कुल नेट
पास में आ गया है, यहाँ पर नेट है, ये जो डब्बा दिख रहा है आपको वाइट कलर का। और ये कितने लोग हैं देखो, तीन उधर, दो यहाँ, पांच, पांच और दो सात, सात और तीन दस, और दो बीच में खड़े। अभी मैं आपको बताता हूँ इन दो बीच में खड़े लोगों का क्या काम है। अब देखो सारे नेट यहाँ पर आ गया है ना, तो कुछ मछलियाँ जो है इन इसके बीच में तैर रही होगी, और वो मछलियाँ क्या है कि मतलब इधर से निकल ना जाए, इसीलिए ये दोनों बंदे खड़े हैं उनको डराने के लिए, ताकि वो पीछे जाए और उस नेट में जाकर फंस जाए। इनका यही काम है। अब भाई देखते हैं, 5 मिनट का और वेट है, देखते हैं कि कितनी मछलियाँ निकलती है। भाई मैं सुबह से वेट कर रहा हूँ, अभी 2 बज चुके हैं, 2 मतलब कि 8:15 पे मैं बोट में बैठा था और अभी 2 बज गए हैं। देख लो कितना टाइम हो गया है, इतने लोग मेहनत कर रहे हैं सुबह से, और निकलेगा क्या आप देखकर हैरान रह जाओगे। फाइनली नेट इनके हाथ में आ गया है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको कि कितनी मछलियाँ इसके अंदर निकलेगी। ये देखो भाई, या ये देखो भाई मछलियां, अभी खोल के दिखाता हूँ मैं आपको नेट, ओके वी विल ओपन इट, या अभी ये खोल के दिखाऊंगा मैं आपको कितनी मछलियां। काफी निकल गई भाई, सुबह तो एक ही मछली निकली थी, इनकी किस्मत अच्छी है भाई की। ये देखो भाई मछली के अंडे हैं, ऐसे ऐसे दिखते हैं मछली के अंडे, अगर आपने नहीं दिखे हैं तो पहले। अभी इस मछली के पास से निकले हैं यहाँ पर, बिल्कुल अभी खोलते हैं नेट, आपको दिखाता हूँ इसके पता नहीं कहाँ से, देखो काफ़ी सारे अंडे हैं, ये बेचारे वापस फेंक रहे हैं अंडे। ये देखो ये मछली के मुंह में से निकल रहे हैं अंडे, ये देखो, ये देखो, ये देखो किस तरह तड़फ रही है ना मछलियाँ। अभी देखो इतने लोग मिलकर एक बोट को बाहर निकालेंगे, और फिर ये जितना भी नेट है ये सारा उसके अंदर दोबारा से सेटल करेंगे, क्योंकि कल फिर से जाना है इनको फिशिंग करने के लिए। तो पूरा गांव इसी के लिए है, क्योंकि और मतलब कि लोग क्या करते हैं, कुछ भी नहीं है, या तो फार्मिंग करेंगे या फिर फिशिंग करेंगे, सभी लोग इसी पर डिपेंडेंट है, तो इसलिए आस पड़ोस के लोग भी काफ़ी मदद करने आ जाते हैं इनके। अब देख लो ये किसी को जान मतलब सबको जानते तो हैं, लेकिन ये पड़ोसी या फिर जो भी गांव के लोग हैं जिनको मछलियां चाहिए वो मदद करने आ जाते हैं, उनको मदद करने पर फ्री में मछलियां मिल जाती हैं, उनको ख़रीदनी नहीं पड़ती मछलियां, क्योंकि यही तो ये चीज़ खाते हैं। बाकी जो मेज है वो ग्रो कर लेते हैं, मक्की है जो वो अपने खेतों में ग्रो कर लेते हैं, मछलियाँ यहाँ से मिल जाती है इनको, और बस यही इनकी डाइट है, और डेली यही खाते हैं ये सुबह शाम। को दिखाता हूँ खोल कर कितनी मछलियाँ अंदर से निकली है, ओके एक, ये भाई धीरे धीरे निकाल रहा है मछलियाँ, ये देखो 2, छोटी छोटी तो ये बाहर फेंक देगा, ये जो जिन्होंने मदद की है ना उनकी है ये छोटी छोटी मछलियाँ, ये देखो किस तरह तड़फ रही है मछलियाँ। सुबह भाई कमाल ही हो गया, एक ही मछली निकली यार, अभी देखो 4 तो इसने अभी निकाल दी है, इसके पास भाई के पास काफ़ी मछलियाँ आई है, देखो ये देखो सब खुश हो जाते हैं भाई जब मछलियाँ निकलती है। सही बताऊँ सबके सब ना बड़े खुश हो जाते हैं, सबके चेहरे की ना आप खुशी देखना कि मतलब वो उधर बैठ खड़ी जो लेडीज है ना सब खुश हो जा रही है जैसे जैसे भाई ये मछलियाँ निकाल रहे हैं अंदर से। देखो ये सबसे बड़ी मछली है, ये देख सकते हो आप, ये जो भाई निकाल रहे हैं अभी, ये देखो क्या सबसे बड़ी मछली। हाउ मच इज द वेट? 10 kg? 15? 6 kg? ओनली 6 kg? नो, ये कह रहा है कि 6 किलो की मछली थोड़ी है भाई यार, ये देखो मेरे पैर के हिसाब से आप जज करो, बहुत बड़ी मछली है, 6 किलो ही थोड़ी होगी, कम से कम 8-10 किलो तो होगी। और अब सिर्फ अभी इतनी सारी मछलियाँ निकली, और ये देखो अभी तक तड़फ रही है बेचारी, देखो लो भाई सारी मछलियाँ मैंने आपको दिखा दी, अभी भाइयों ने यहाँ पे रख ली है, लगभग 5, 2, 7, 1, 8, 9 मछलियाँ निकली थी सारी, और ये भाई ने बताया कि लगभग 4,500 शिलिंग की ये बिकेगी। अभी मैं वापस निकल रहा हूँ यहाँ से, अभी मैं आपको बताता हूँ कि सारी मछलियाँ कितने की हुई। इस भाई ने मुझे बताया कि 4,500 रुपये की सारी मछलियाँ होगी, बड़े बड़ी मतलब कि 5-6 मछलियाँ, और जो छोटी मछलियाँ हैं जो लोग मदद कर रहे थे उनको एक एक दे देंगे ताकि उन्होंने मदद की है, और 3 लोगों में ये 4,500 रुपये बांटेंगे। 4,500 यहाँ के शिलिंग है, तो इंडिया के मान लो आप आधे कर लो, 4,500 तो मान लो 2,200-2,300 रुपये हो गए, तो ये मान लो मतलब कि इंडिया के 700 रुपये, मतलब कि आप ये मान लो $8-9
एक बंदे के आए हैं इतनी देर काम करने के, और जिसमें कि ये बोट जो है ये इनकी नहीं है, इनको मतलब कि जो ओनर है वो पैसे देगा, तो ये पूरे इनके आएंगे भी नहीं 700 रुपये।